नमस्कार डीएस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। जैतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौरियापुरवा का रहने वाला एक युवक 16 तारीख को खाद लेने जा रहा था। वहीं उसका नाम पन्नालाल बताया जा रहा। समय करीबन 11 बजे इनामीपुर कटरा के पास बाइक सवार जोरदार टक्कर मारी। टक्कर मारने से उसकी गंभीर चोटें आईं। जिला अस्पताल को भेजा गया। जिला अस्पताल से उसको ट्रामा सेंटर रिफर कर दिया गया। ट्रामा सेंटर से मेडिकल कॉलेज जब रिफर किया गया, 20 तारीख को करीबन उसकी 3 बजे मृत्यु हो गई। वहीं परिजनों का कहना है कि थाना जैतपुर को हमने एप्लीकेशन भी दिया है, लेकिन अभी तक कुछ उचित कार्रवाई नहीं हुई है। आइए देखते हैं दिनेश कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट। आखिर पूरा मामला क्या है, इस खबर में विस्तार से देखें। बेटा सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है और कहाँ के निवासी हो, आपके परिजन से क्या घटना घटी थी, कैसे मौत हुई है? हमारा नाम रामजी चौहान है और पिता का नाम संतरा। जिससे कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, दाह संस्कार कर रहे हैं, मिट्टी दे रहे हैं। हमारे रिश्तेदार वो जा रहे थे बाराबंकी खाद लेने के लिए। नाम क्या था उनका? उनका पन्नालाल नाम था। अच्छा, तो खाद लेने कहाँ जा रहे थे? बाराबंकी। तो कैसे क्या मामला हुआ? बाराबंकी जा रहे थे तभी पेट्रोल टंकी इनामीपुर के पास पाछे से टक्कर मार दी। पीछे से टक्कर मार दी? किसने? सचिन ने। वो काहे से सवार थे? वो नशे की हालात में मोटरसाइकिल चलाते रहे थे, लापरवाही से बहुत तेज से टक्कर मारी। अच्छा, तो क्या गंभीर चोटें आई थी? इलाज के लिए कहीं एडमिट कराया? बहुत ही गंभीर चोटें आई थी, दिमाग में जो है काफी चोट लगी थी। तो कहाँ कहाँ इलाज चलाया? पहले हम लोग जिला अस्पताल लेकर गए, वहाँ से रिफर किया गया, लोहिया गए, लोहिया में इलाज हुआ, उसके बाद वहाँ से रिफर किया गया मेडिकल कॉलेज लखनऊ लेकर। अच्छा, तो मौत कब हुई है? मौत आज रात को करीबन 3:30 या 4 बजे के आसपास हुई है। पोस्टमार्टम कराया है? पोस्टमार्टम हो गया। आज जो घटना घटित हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, किस तारीख को हुआ है और इसकी क्या आपने थाने में तहरीर दी है? ये 16 तारीख को हुआ था, मगर उन्होंने इलाज करवाने को लिए बोला, मगर उन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया, ना ही साथ गए, वहाँ लोहिया अस्पताल तक गए, बस वहाँ से भाग आए चोरी से। और हम लोग इलाज करवाते रहे अपने हिसाब से, बाकी वो लोग इलाज नहीं करवाए हैं। और थाने में कब तहरीर दी है? थाने में हमने 19 तारीख को दी है, व्यस्त होने की वजह से उसमें इलाज में हम ही आगे से गए आए सब। अच्छा, तो जो पन्नालाल खत्म हुए हैं, किनके क्या कोई लड़का नहीं था? लड़का लड़की भी नहीं था? लड़की थी, लड़की दो थी, बस की लड़का कोई नहीं था। लड़का आप शासन प्रशासन से मीडिया के माध्यम से क्या मांग करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम मीडिया से ये कहते हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए और सख्त कार्रवाई करवाई जाए। उस पर कार्रवाई बहुत धीम हो रही है, इसलिए थोड़ा उसको देखा जाए और अच्छे से कार्रवाई करवा दी जाए। तो इस तरीके से पीड़ित के साथ दुर्घटना हुई है, नशे की हालत में बाइक सवार ने पीछे से टक्कर मारी है, इसलिए बहुत बड़ा गुनाह है, लिहाजा शासन प्रशासन को इस मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल रिपोर्ट दर्ज करके पीड़ित के साथ न्याय होना चाहिए। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। व्यक्ति ने बाइक से पीछे से ठोकर मारी है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, उसके पिताजी का नाम क्या है, किस गाँव के निवासी है? वो जो बाइक से टक्कर मारी है वो सचिन है, सचिन के पापा का नाम है शिव कुमार यादव और रहने वाले निवासी कटेसर के हैं। अच्छा, कटेसर के रहने वाले हैं। हाँ। ठीक, बस बस ठीक है, कटेसर। जो आपने FIR दर्ज कराई है, तो थाने में क्या आश्वासन दिया गया है और इसकी प्रक्रिया क्या हुई, क्या जो है कोई और सुलह सोचा करने की बात चल रही है क्या? नहीं, वो सतरिक थाने से फोन आता है, जबकि हमारा जहाँ कंप्लेन कराया है वो जैतपुर थाना लगता है, मगर सतरिक थाने से फोन आता है कि तुम कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करना, कार्रवाई करोगे तो सुनी नहीं जाएगी, और धमकियां देते हैं कि और अपने आप को दरोगा बता रहे हैं, कह रहे हैं आओ थाने पर हम इलाज करवा देंगे, तुम 10 बजे आओ, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं और कह रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं करना, ये हमारे भाई हैं जिनसे इंसिडेंट हुआ है, ये हमारे भाई हैं। अच्छा, क्या कोई कॉल रिकॉर्डिंग भी है क्या? हमारे पास फ़ोन करके वो धमकी देते हैं, हमने कॉल रिकॉर्डिंग उनकी कर ली है और रिकॉर्डिंग अभी है, जहाँ भी ज़रूरत लगेगी हम सुनाने के लिए भी तैयार हैं। और जुगल किशोर शुक्ला अपने आप को बताते हैं और ये भी बताते हैं कि दरोगा पद पर हम यहाँ पर तैनात हैं।